हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप सभी लोग समान ज्ञान का 5000 से अधिक प्रश्नों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को। देखिए, आम आदमी पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया है, जबकि कई राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चुनाव चिन्ह झाड़ू छापे, अभी देश में 6 जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए दोस्तों, अभी हमारे देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी को हाल ही में जो है नेशनल पार्टी होने का दर्जा मिला है। राजस्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्त और नियम क्या है? किसी भी पार्टी को राजस्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही उसी राज्य के विधानसभा में 2 सीटें पाता है। यदि लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध जो है मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही उसी राज्य के लोकसभा में 1 सीटें पाता है, तभी जो है राजस्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य द्वारा किसको मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नीलेश सांबरे को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा। जो GIU एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक जिसका नाम है नीलेश भगवान सांबरे को हाल ही में मराठा उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्थान महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है जो दक्कन के पठार के महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम रमेश बैस हैं और महाराष्ट्र के आधिकारिक पशु भारतीय जो विशाल गिलहरी हैं और आधिकारिक पक्षी पीले जो है पैरों वाला हरा कबूतर हैं। लवली यहाँ के क्या हैं दोस्तों? आधिकारिक नृत्य हैं। तो आप सभी ने याद रखिएगा। आइए प्रमुख पुरस्कार 2022 के देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया जितेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं, और स्वांते जो पेबो हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया चारुदत्त मिश्रा को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 11 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मातृ स्वास्थ्य जो गर्भावस्था और प्रसवोत्तर के दौरान उचित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2023 में भारत सरकार ने जो वाइट रिबन अलायंस इंडिया के प्रयासों द्वारा 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया है, और यह दिन जो है यह दिवस पर जो प्रसिद्ध समाज सुधारक कस्तूरबा गांधी के जयंती के अवसर पर चुना गया है। तो आप सभी ने याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं, वाइट रिबन जो अलायंस आखिर है क्या? यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में मातृ और नवजात स्वास्थ्य और अधिकारों की जो है वकालत करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई है। यह संगठन विश्व भर में 50 से अधिक देशों में काम करता है और जो व्यक्तियों, समुदायों और संगठन को जो है गुणवत्तापूर्ण मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने के लिए प्राप्त करने के लिए संगठित और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आप सभी ने याद रखिएगा। आइए दोस्तों, अप्रैल माह के प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जबकि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया,
और 24 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती दिवस, आप सभी को मालूम होनी चाहिए, जबकि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आरके सिंह। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में राज्यों और राज्य उपयोगिता कंपनी की RRPM बैठक के दौरान SEI को जारी किया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEI के शीर्ष स्थान पाने वाला राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। राज्य ऊर्जा सूचकांक जो है दक्षता सूचकांक का उद्देश्य क्या है, यह राज्यों को सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में सर्वोत्तम जो है तौर तरीके को सिखाता है और ऊर्जा दक्षता जो है कार्य कैसे करेगा, अर्थव्यवस्था अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी, तो आप सभी ने याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं प्रमुख सूचकांक, वैश्विक जो भुखमरी सूचकांक 2022 में 107वें स्थान पर रहा, जबकि दोस्तों मानव विकास सूचकांक में 2022 में जो है 132वें स्थान पर भारत रहा, विश्व खुशहाली सूचकांक में 2022 में 136वें स्थान पर भारत रहा, तो आप सभी ने याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशेनिया इवेंट में किसने खिताब जीता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी गुकेश। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व जो है विश्व रैपिड चैंपियनशिप जिसका नाम है नेदिरबेक अब्दू जो अब्दू सात्रों को हराकर विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशेनिया प्रतियोगिता जो है प्रतियोगिता में विजेता बने हैं, आप सभी ने याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, यह मध्य एशिया का एक देश है जिसकी सीमा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी ने याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और ताशकंद से जुड़े हुए आप सभी को मालूम होने चाहिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम क्या है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, जो इसी का जो है बहुत ही रहस्यमय तरीके से ताशकंद में जो है मृत्यु हो गई थी, तो आप सभी ने याद रखिएगा। खेल पुरस्कार 2022 हम लोग याद रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, महिला एशिया कप 2022 भारत जीता है, बल्कि संतोष ट्रॉफी 2022 केरल जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में 2 दिवसीय फूड जो कन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हैदराबाद, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 दिवसीय फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। देखिए दोस्तों फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य वर्तमान दशक में भारतीय कृषि खाद्य के क्षेत्र में विकास के लिए मुख्य जो है चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है। इस आयोजन में 5 विषयगत ट्रैक शामिल किए जाएंगे जिसमें कृषि खाद्य के क्षेत्र विभिन्न पहलुओं को शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर बात हुआ है प्यारे दोस्तों तेलंगाना की, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राज है, बल्कि दोस्तों तमिलीसाई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं, तो आप सभी ने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने जो है भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का कौन सा संस्करण जारी किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, पहला संस्करण जारी किया है जो केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जम्मू कश्मीर में भारत संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। इस संस्करण का विमोचन जो भाषाई विविधता को जो है बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में जो है फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस राज्य को दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तिब्बत राज्य को यह दर्जा मिला है। देखिए ग्लोबल जो वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने जो है अप्रैल 2023 में जो है 2023 के लिए अपना जो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड
इंडेक्स जारी किया जिसमें तिब्बत को दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश के रूप में स्थान जो है दिया गया। रिपोर्ट में दोस्तों फ्रीडम हाउस ने दक्षिणी सूडान सीरिया के साथ तिब्बत को दुनिया के सबसे कम मुक्त देश के रूप में स्थान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जो है चीन तिब्बती जो खानाबदोश जो है खानाबदोशों की पारंपरिक जीवन शैली को समाप्त कर रहा है जो कि नियमित रूप से अपने आग के साथ प्रवास करते हैं। तो आप सभी ने याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने FEI विश्व फाइनल कप 2024 के मेजबानी के लिए झंडा प्राप्त किए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, सऊदी अरब। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर जो है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी के लिए झंडा प्राप्त किया है। पहली बार यह आयोजन मध्य पूर्व में आयोजित किया जाएगा। FEI विश्व कप फाइनल 2024 में जो है अप्रैल में रियाद में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी का नाम रियाद है दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री सलमान है और जो है सऊदी रियाल मुद्रा है। तो आप सभी ने याद रखिएगा। आज के अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 11वें नेशनल ग्रास रूट जो है इनोवेशन अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो आप सभी ने याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए गए 11वें नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड्स। द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल को 2023 को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग जो ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड प्रदान किए हैं। इन्होंने दोस्तों जो है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी उद्घाटन किया, जो फाइन फेस्टिवल का एक अनूठा प्रयास है दोस्तों, जो युवाओं के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख पुरस्कार को हम लोग पिछले रिवीजन कर लेते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार मिला है सरगम कौशल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को। और एबेल पुरस्कार 2022 मिला है डेनिस पार्नेल सुलेवन को। तो आप सभी ने याद रखिएगा। आइए हम लोग पिछले दिनों के करंट अफेयर्स को रिविज़न कर लेते हैं। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। हाल ही में जो ऑर्लियंस जो है मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? प्रियांशु राजावत ने। हाल ही में विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और जो प्रजनन केंद्र का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश। आप सभी ने याद रखिएगा। किस संस्था ने जो है स्टैकिंग ऑफ द बेनिफिट लेसन फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट जारी किया है? IMF ने। आप सभी ने याद रखिएगा। हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किल्यामपुड़ी जो है राधा कृष्ण राव। हाल ही में अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुभारम्भ किया है? अरुणाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश में। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने याद रखिएगा। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक ने। हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। हाल ही में जो है जालावाला वेद जिसका निधन हो गया, वे कौन थे? अभिनेता थे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को जो है किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025 तक के लिए। तो आप सभी ने याद रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार जीता है? क्या राइट आंसर होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।